सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहा है, तो आप खुद से कैसे पहचान सकते हो, घर से ही आप खुद से कैसे पहचान सकते हो, इसका सिंपल तरीका क्या है, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहा है, तो इसका यूनिक ट्रीटमेंट क्या होता है, 2023 में कैसे यूनिक ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी मैं साथों साथ बताऊंगा। और ये जो चीज़ें आज की इस वीडियो का माध्यम से मैं लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को कॉम्प्लीटली नॉलेज मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो आपको दिक्कत करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका प्रेगनेंसी नॉर्मली आ जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आज के जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा वाइटल वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, मेरा नेम अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जब आप सीमेन को डिस्चार्ज करते हैं, इजाकुलेट करते हैं आपका वाइप का वैजाइना में, तो आपको तो आप सीमेन को देख नहीं पाओगे और आप सीमेन को, सीमेन का जो कलर होता है वो आप पहचान नहीं पाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि सीमेन में एक्चुअली इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। लेकिन देखिए, आपका वाइप का वैजाइना में जब आप डिस्चार्ज करते हैं, सीमेन को इजाकुलेट करते हैं, इजाकुलेट करते समय मान के चलिए कि आपका पेनिस का जो वेन होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहा है, उसके बाद जो जलन होता है काफ़ी टाइम तक रह भी जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है। उसके अलावा मान के चलिए आपने कॉन्डोम की सहायता से सीमेन को इजेकुलेट कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहा है, जैसे कि कभी कभी येलो कलर आता है, ग्रेस कलर का आता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सीमेन में इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन मान के चलिए कि आपका सीमेन में अगर जो कलर होता है कभी कभी रेडिश कलर का आ रहा है, उसके बाद ब्राउनिश कलर का रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए आपका सीमेन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरिया भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो रहा है और आपका सीमेन में RBC पास हो रहा है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स पास हो रहा है, यानी कि आपका सीमेन की सहायता से ब्लड पास हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस स्टेप का आप घर बैठे आप सीमेन को आप खुद से ही पहचान पाओगे कि आपका सीमेन में एक्चुअली इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं। मान के चलिए फिर से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद से पहचान नहीं पा रहे हैं, उसके बाद आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि आपका सीमेन में एक्चुअली माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके बाद इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो इसका एक्चुअली रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर चार रीज़न होता है, चार रीज़न की वजह से आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि आपका रिपोर्ट में इस चार चीज़ को, जो चार चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, इस चार चीज़ को आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको, यानी कि जो पहला जो स्टेप है, आपको सीमेन का कलर को चेक करना है। उसके अलावा देखिए ना, यहाँ पर नंबर वन एपिथेलियल सेल। देखिए, एपिथेलियल सेल क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, सिर्फ टेस्टिस में नहीं बनता है, कुछ सीमेन और स्पर्म आपका पेनिस में बनता है, कुछ सीमेन और स्पर्म आपका प्रोस्टेट में बनता है, और थोड़ा कुछ सीमेन और स्पर्म, ज़्यादा से ज़्यादा सीमेन और स्पर्म आपका टेस्टिस में बनता है। तो यहाँ पर मान के चले कि शरीर में किसी भी जगह में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन फैल गया है, तो टेस्टिस में, प्रोस्टेट में, पेनिस में भी इन्फेक्शन फैल गया है, तो आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है और आपका सीमेन की सहायता से एपिथेलियल सेल निकल जाएगा, यानी कि प्रेजेंट होगा। तो एपिथेलियल जो सेल होता है, एक टाइप का सेल होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद होता है, और एपिथेलियल सेल अगर आपका सीमेन में प्रेजेंट है तो आपको समझ लेना चाहिए आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, माइक्रोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है। तो एपिथेलियल सेल का जो नॉर्मल रेंज होता है आपका हमेशा नील होना चाहिए। मान के चलिए कि आपका रिपोर्ट में 2 से लेकर 4 पार हाई पावर फील्ड आ रहा है, या तो फिर 4 से लेकर 6 पार हाई पावर फील्ड आ रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि 8 से 10, या तो फिर 10 से 15, या तो फिर 15 से 20, उससे ज़्यादा, या तो भी कभी कभी प्लेंटी भी आ रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सीमेन में एपिथेलियल सेल ज़्यादा से ज़्यादा पास हो रहा है और आपका सीमेन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है। तो ये था पहला जो चीज़ है, एपिथेलियल सेल। उसके बाद दूसरा चीज़ है पास सेल। देखिए, पास सेल एक्चुअली एक टाइप का सेल होता है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। पास सेल वही सेम चीज़ है, आपका शरीर में, टेस्टिस में जो होता है, प्रोस्टेट में, या तो फिर पेनिस में, अगर कोई भी जगह में कोई भी इन्फ्लामेशन फैल रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है, तो तभी सीमेन की सहायता से पास सेल निकल जाता है, प्रेजेंट होता है।
तो पास्ट सेल जब आपका वही सेम चीज़ है अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा तीसरा रीजन जो होता है आपका रिपोर्ट में, ये भी चेक करना है कि आपका रिपोर्ट में WBC प्रेजेंट है या नहीं। WBC का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स एक टाइप का सेल होता है, शरीर में जो ब्लड का वेन होता है उसके अंदर मौजूद होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है किसी भी रीजन से बढ़ सकता है, शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है तो बढ़ सकता है। आपका शरीर में पूरा शरीर में सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर में ब्लड का जो वेन है फैला गया है, यानी कि चारों ओर ब्लड का वेन मौजूद होता है। जैसे कि आपका टेस्टिस में भी मौजूद होता है ब्लड का वेन, आपका प्रोस्टेट में भी मौजूद होता है, आपका पेनिस में भी मौजूद होता है। तो जो ब्लड का वेन होता है उसके अंदर WBC प्रेजेंट होता है। इस WBC अगर बढ़ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, WBC का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वही सेम ही है, नील होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिल रहा है, प्लेंटी देखने को कभी कभी मिल रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका रिपोर्ट में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, आपका सीमेन में WBC पास हो रहा है और आपका सीमेन में माइक्रोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा लास्ट रीजन, नंबर फोर का जो रीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है RBC। देखिए RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। अगर आपका सीमेन की सहायता से RBC निकल रहा है, रेड ब्लड सेल्स निकल रहा है, यानी कि ब्लड पास हो रहा है, तो आपका सीमेन का कलर हमेशा ब्राउनिश कलर का आता है, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो रेडिश कलर का भी आता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सीमेन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पास हो रहा है, यानी कि शरीर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन फैल गया है, माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सीमेन की सहायता से ब्लड निकल रहा है और आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो ये था चार रीजन। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो मैंने बता दी थी घर से आप कैसे सीमेन को चेक कर सकते हो कि आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, यानी सीमेन का कलर को देख के या तो फिर आपका पेनिस में जलन हो रहा है तो आप समझ जाओगे। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि सच में आपका सीमेन में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है, तो 2023 में इसका यूनिक ट्रीटमेंट होता है, आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना है, उसके बाद और एक टेस्ट करना है, आपको सीमेन का कल्चर को टेस्ट करना है। सीमेन एनालिसिस और सीमेन जो कल्चर होता है वही सेम प्रोसेस होता है, जो आपका मिनिमम जो गैप होना चाहिए रिलेशनशिप से 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर सीमेन को कल्चर करके भी देखना चाहिए कि आपका सीमेन में माइक्रोबैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो कितना यूनिट इंटरनेशनल यूनिट प्रेजेंट है। उसके अलावा आपका जो सीमेन होता है उस सीमेन में अगर सच में इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, यानी कि उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक आपका शरीर में काम करेगा, जिसकी वजह से उसको देखा जाता है सीमेन का कल्चर टेस्ट करके। तो पहला चीज़ आपको सीमेन एनालिसिस करना है, दूसरा चीज़ आपको सीमेन को कल्चर को टेस्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ आपको करना है, उसके बाद आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके आपको बताना चाहिए, डॉक्टर रिपोर्ट देखेगा और बदले में आपको एक ट्रीटमेंट देगा, जो ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसको एंटीबायोटिक देके ही ख़त्म किया जाता है बैक्टीरिया को। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक देके ख़त्म किया जाता है। बहुत हाई क्वालिटी, बहुत ब्रांडेड कंपनी का एंटीबायोटिक होता है। तो मैं आने वाला एक वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो में बताने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक देके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक देगा और उस एंटीबायोटिक की वजह से आपका लेने की वजह से कुछ कोर्स होता है, कोर्स को कंप्लीट करने की वजह से आपका सीमेन में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपका सीमेन में जो माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका प्रेगनेंसी का दिक्कत आ रहा है सीमेन का इन्फेक्शन की वजह से, तो आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल आ जाएगा, कोई भी घबराने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आप लोगों को एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। फिर भी अगर कोई भी कॉन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ लाइव चैट वगैरह करना चाहते हैं, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट आप पढ़ नहीं पा रहा है, सीमेन कल्चर रिपोर्ट आप पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं आपका रिपोर्ट। इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।